नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूके पीएससी अपडेट्स। दोस्तों आज ये 500 नंबर का प्रैक्टिस सेट है जो कि आगामी सहायक अध्यापक भर्ती में जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की जो यूनिट है उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों ये अन्य राज्यों में पूछा जा चुका प्रीवियस ईयर पेपर है तो आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। आज इसको शुरू करते हैं, फटाफट हम इसको कवर करेंगे, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम पहले एडिशन सीखते हैं फिर मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं तो किस टाइप की ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों इसको सिक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। ठीक है, अनुक्रमिक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसमें होता क्या है कि अगर आप पहले मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे फिर आप एडिशन सीखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है और ये बहुत टफ प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको पहले एडिशन आता है, सही सीक्वेंस तो यही है कि पहले आप एडिशन सीखेंगे फिर जाके ही मल्टीप्लीकेशन सीख पाएंगे बहुत इजीली, तो इसको सिक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। बाकी जो वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल दोस्तों जैसे साइकिल चलाना हो सकता है, जैसे आपको साइकिल चलाना आता है तो आपको फिर इजीली स्कूटी या बाइक चलाना आ जाता है तो इसको वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसमें उल्टा भी हो सकता है वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, और ये लेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या होता है, जो कि बच्चा स्कूल में सीखता है वही चीज़ अगर वो घर में आके अप्लाई करने लग जाता है, जैसे कि जोड़ना घटाना जिंदगी की असली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में जब वो चीज़ों को अप्लाई करता है तो उसको लेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में दोस्तों जैसे कि राइट हैंड से अगर आपको लिखना आता है तो आप लेफ्ट हैंड से भी लिखना जानते हैं, ट्राई कर सकते हैं आप उसको, तो इसी तरह की नॉलेज बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में आती है। अगर आपको राइट हैंड से कोई चीज़ करनी आती है और लेफ्ट हैंड से भी आप उसको पता है आपको लेफ्ट हैंड से कैसे करेंगे, तो ये है बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सिक्वेंशियल में दोस्तों एक पर्टिकुलर सिक्वेंस में ही हम किसी चीज़ को सीखते हैं। ठीक है, तो एडिशन के बाद मल्टीप्लीकेशन सिक्वेंशियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि जो स्कूल का डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बच्चे के कौन से फैक्टर को से रिलेटेड है। ठीक है, जो स्कूल विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन है। अब स्कूल में डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बच्चों का ग्रुप हो गया, टीचर और बच्चों का ग्रुप। ठीक है, या टीचर और बच्चों का साथ में अगर इकट्ठा उनको देखा जाए तो एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ही है होता है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे पता चलता है एक सामाजिक पक्ष से इसका संबंध है, बच्चे स्कूल में सोशली होकर ही सीखते हैं बाकी दोस्तों के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो दोस्तों पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा फंक्शनल फिक्सनेस ऑफ स्टूडेंट बोल रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना है, बच्चों को लचीलापन देना है, बच्चे कोई फिक्स चीज़ उनको देके कभी नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो सीखने में हमेशा लचीलापन होना चाहिए। बाकी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, पेरेंट का इन्वॉल्व और मॉनिटर करना बच्चों के, सभी जो ऑप्शन है बाकी ये तो बहुत अच्छे रहेंगे, बाकी फंक्शनल फिक्सनेस बच्चों पर नहीं दिखानी। दोस्तों रोहन क्या करता है, किताब पढ़ रहा होता है उसको, अब वो जानना चाहता है कि बाहुबली की फैमिली और बाहुबली को आगे चलकर क्या हुआ, तो ये कौन सा एग्जांपल होगा। ठीक है, तो एक इंट्रिगिंग मोटिवेशन का एग्जांपल होगा, उसके आंतरिक उसको अभी प्रेरणा जागृत हो रही है कि जो मैं कहानी पढ़ रहा था उसमें बाहुबली और उसकी फैमिली को बाद में क्या हुआ वो जानना चाह रहा है, तो उसके अंदर से ये चीज़ आ रही है। भले वो किताब पढ़ रहा है, बाहरी किताब पढ़ रहा है, पर उसको ये जो अभिप्रेरणा है अंदर से उसके जागृत हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड असेसमेंट स्ट्रैटेजी टू अवॉइड कल्चरल बायस। दोस्तों सांस्कृतिक पूर्वाग्रह पक्षपात से बचाव के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, पक्षपात से बचना है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, क्योंकि अलग अलग कल्चर से बच्चे आ रहे हैं। ठीक है ना, बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये सभी रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये मानकीकृत परीक्षण अलाउ नहीं होता है। ठीक है, हम आनुवंशिकता को दोष नहीं दे सकते, बाकी पोर्टफोलियो के उपयोग से बचना भी यहाँ पे सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग वैरायटी ऑफ मेथड यूज करेंगे क्योंकि बच्चे अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, अलग अलग तरीके बच्चे स्कूल में आते हैं। ठीक है, तो सभी के लिए एक वैरायटी ऑफ मेथड का यूज़ किया जाएगा। दोस्तों कोहलबर्ग की थ्योरी के अनुसार ये बोला कि एट विच लेवल मॉरल डेवलपमेंट इज इंटरनलाइज एंड नॉट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कोहलबर्ग की तीन स्टेजेस थी, हर किसी में दो दो लेवल होते हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो कौन सी स्टेज में वो इंटरनलाइज करने लग जाता है अपने मॉरल थॉट को, खुद ही डिसीजन लेने लायक हो जाता है। ठीक है, तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की बात होती है जो कि तीसरे नंबर की हमारी स्टेज होती है, बच्चा खुद काबिल हो जाता है। ठीक है, कि जो नैतिक विकास है वो अब उसके आंतिकरण से वो क्या करता है, डिसीजन लेने लायक हो जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अ चाइल्ड डाइट इफेक्ट हाउ टॉल द चाइल्ड ग्रोज एंड इवन हाउ इफेक्टिवली द चाइल्ड कैन थिंक एंड सॉल्व प्रॉब्लम। एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी उसको प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावित तरीके से चिंतन करेगा और समस्या का समाधान करेगा ये भी प्रभावित करता है। तो किस चीज़ का एग्जांपल है, तो दोस्तों डाइट की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब डाइट का आनुवांशिक से तो कोई लेना देना होगा नहीं, हेरिडिटी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, बच्चे को जैसी डाइट मिलेगी वो वैसा प्रभाव दिखाएगा। ठीक है, अगर उसको डाइट ही नहीं मिलेगी तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों ये सीधे सीधे एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर है, तो ये वातावरण पर डिपेंडेंट चीज़ है उसकी डाइट। जैसी जितनी अच्छी उसको डाइट मिलेगी वो उस हिसाब से ग्रो करेगा। विच टीचिंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट लाइकली टू फॉस्टर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग के लिए सबसे बढ़िया क्या रहेगा, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी। ठीक है ना, जो आलोचनात्मक चिंतन है या क्रांतिक चिंतन है ये डेवलप नहीं होगा अगर उनको सिर्फ MCQ देंगे, असाइनमेंट भी नहीं देंगे, तीसरा ऑप्शन में वर्कशीट, इस तरह के होमवर्क या असाइनमेंट नहीं देने हैं। बाकी जो ऑप्शन चौथा है कि लाल बहादुर शास्त्री हमारे सबसे अच्छे प्रधानमंत्री थे, इसके ऊपर अगर हम क्या करें, वाद विवाद करें या समर्थन या इसका खंडन करें, तो इस टाइप के स्टेटमेंट उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देंगे, उनको इसमें भाग लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एरिक्सन के अनुसार कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में जो किशोर बच्चे होते हैं वो किस तरह की चीज़ से गुजरते हैं, तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरते हैं। ठीक है, अपनी पहचान बनाम संकट से वो गुजरते हैं। ठीक है, तो किसी जटिल समाज में किशोर किशोरियाँ पहचान संकट से गुजरते हैं।
उन्हें अपनी पहचान पे डाउट हो जाता है कि सोसाइटी में उनका काम क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी फॉर अ टीचर व्हेन ही इज वर्किंग विद एडोलेसेंट स्टूडेंट। ठीक है, किशोर विद्यार्थी के साथ काम करते समय शिक्षक के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों? तो ये होगा, अगर हम किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम प्रपोज करें, ठीक है, एक प्रॉब्लम के बारे में बताएं उनको, करना बच्चों नहीं होगा, बस हम उनको बताएंगे कि ऐसे प्रॉब्लम है और उनसे एक हाइपोथेसिस बनाने के लिए कहेंगे, तो ये सबसे अच्छा उदाहरण रहेगा। बाकी जितने भी ऑप्शन है, जैसे पहला ऑप्शन में तुलना करने के लिए कह रहे हैं, तुलना तो कभी करनी नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्रमवार संक्रियाओं के अनुभव प्रदान करना, ठीक है, क्रमवार में कोई भी चीज़ सिखाना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है, कोई ऑर्डर होना जरूरी नहीं है। और जो चौथा ऑप्शन है, कंस्ट्रक्ट एन इंक्लाइन प्लेन और हिल, एक झुका और समतल अथवा पहाड़ी को बनाना, इससे क्या सीखेंगे बच्चे? कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न है, चिल्ड्रन कंसिडर्ड एज लो विजन हुज विजुअल, वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि कितनी होती है, ठीक है, तो ये 6x6 विजन है अगर किसी का लेंस के साथ, तो ये तो ठीक चलेगा, ठीक है, अगर 6x6 मीटर होता है दोस्तों, ठीक है ना, 6 मीटर की डिस्टेंस तक अगर हम सही देख पा रहे हैं लेंस लगाने के बाद भी, तो ये हमारा विजन अभी इतना ख़राब नहीं है, ठीक है। और अगर ये 20x20 का हो गया, 6x6 एक ही बात है, रेशियो अलग बढ़ा दिया, ऑप्शन 2 और 3 तो सेम ही है, ठीक है, बाकी चौथा ऑप्शन 20/10 बोल रहा है तो अच्छी बात है, 20/10 किसी का अगर व्यू है तो ये कोई कम दृष्टि को नहीं दिखाता, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, 20x70 अगर किसको 20 फीट की दूरी तक दिखाई देता है, और जबकि नॉर्मल नॉर्मल आदमी को 70 फीट की डिस्टेंस दिखाई देती है और कम वाले को 20 फीट तक ही दिखाई देता है, तो ये न्यून दृष्टि के मानक हो जाएंगे, ठीक है, 20x70 और 20/200 तो कम बता रहे रेशियो, ठीक है, आप सिर्फ 20 फीट तक देख पाते हैं, बाकी जो नॉर्मल इंसान है वो 70 फीट अगर देख पा रहे हैं, तो इसमें आपका विजन क्या है बहुत कम है। लर्नर सेंटर इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी इन विच स्टूडेंट आर एनकरेज टू कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग विद द असिस्टेंट ऑफ टीचर थ्रू क्वेश्चंस आर एंड डायरेक्शंस इज, ठीक है, अधिगमकर्ता केंद्रित अनुदेशनात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करता है, ठीक है, इसमें सिर्फ सहायता मिल रही है उनको, ठीक है ना, टीचर कुछ खुद कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उनको गाइड कर रहा है, तो उसको गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं। चाइल्ड सिम्टम व्हेन ही कैन नॉट स्टे फोकस्ड ऑन अ टास्क, एक्ट इम्पल्सिवली इग्नोरिंग सोशल रूल्स एंड लैशिंग आउट विथ हॉस्टिलिटी व्हेन फ्रस्ट्रेटेड इज इंडिकेशन ऑफ, ठीक है, तो बच्चा अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, तो किसका उदाहरण है दोस्तों? ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का एग्जांपल है, ठीक है, बच्चा किसी भी जगह पे अपना थोड़ी भी देर के लिए ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, तो ये स्लो लर्नर वाली बात नहीं होगी यहाँ पे, मेंटली रिटार्डेड भी नहीं होगा, ठीक है, एमनेसिया ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं, जब बच्चा किसी भी टाइम पर अपना फोकस नहीं बना पाता, बिल्कुल भी इसका फोकस नहीं होता है, तो एक तरह का डिसऑर्डर है। इज टू सोशल, ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा बंडूरा, बंडूरा इज टू सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एज वाइगोत्स्की इज टू सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, ठीक है, तो जो बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है वो वाइगोत्स्की की सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी के बराबर है, सीधी बात है, ठीक है ना, तो हिंदी वाले इसका हिंदी में पढ़ सकते हैं, बाकी आप समझ जाएंगे कि जो बंडूरा की सोशल कॉग्निटिव थ्योरी या लर्निंग थ्योरी थी वो वाइगोत्स्की की सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी से मैच करती है। अगला ब्रॉन फेबनर के बारे में, फेनब्रेनर, ठीक है, इसकी जो इकोलॉजिकल थ्योरी थी उसमें बोला कि स्टूडेंट की जो फैमिली होती है, यार दोस्त होते हैं, स्कूल होता है, ये कौन सी डेवलपमेंट स्टेज से बिलोंग करता है, तो हम पहले भी पिछले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं ब्रॉन फेनब्रेनर की जो 5 अवस्थाएं थी, ठीक है ना, तो ये माइक्रो सिस्टम के अंदर आता है हमारा, क्या, फैमिली और यार दोस्त और स्कूल, ठीक है, माइक्रो के अंदर आता है। बाकी क्रोनो मैक्रो एक्सो के एग्जांपल हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है, तो बार बार इसको डिस्कस करना सही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की रेंज ऑफ टास्क टू डिफर फॉर अ चाइल्ड टू डू अलोन बट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेंथ मोस्ट पीयर्स इज कॉल्ड, दोस्तों एक निर्धारित क्षेत्र तक हम अगर कुछ अच्छा कर पा रहे हैं वो भी किसकी मदद लेकर, तो उसको क्या कहते हैं, सीधी बात है, ZPD कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में अगर इसको कहें तो कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले बहुत कठिन परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो जाता है, ठीक है, अगर हम किसी की हेल्प लेके जहाँ तक अपना डेवलपमेंट कर पाते हैं उसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट रिलेटेड टू फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, दोस्तों जो आखिरी अवस्था होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उससे क्या मैच नहीं खाता है, तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये तो करने लगता है बच्चा, ठीक है, परिकल्पना करने लग जाता है बच्चा लास्ट स्टेज में किशोरावस्था में, स्थानिक तर्क आ जाती है, स्पेटियल रीजनिंग उसमें आ जाती है, अमूर्त चिंतन और अमूर्त तर्क करना बच्चा सीख जाता है, बल्कि ये जो आदर्शवादी तर्क करना है ये कहीं भी ऐसा नहीं दिया है कि वो आदर्शवादी हो जाता है। जो पारुल की बुद्धि परीक्षण उसके औसत और औसत से अधिक बुद्धि को दर्शाते हैं, जबकि उसके पठन वर्तनी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के ग्रेड अत्यधिक न्यूनतम है, ठीक है, उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अच्छे हैं, तो बताओ उसको कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अबव एवरेज है लड़की जो पारुल है, वो अबव एवरेज इंटेलिजेंट है और उसके ग्रेड क्या हैं, रीडिंग में कम है, ठीक है, रीडिंग स्पेलिंग और सोशल साइंस में उसके मार्क्स कम है, बाकी मैथ्स में उसके मार्क्स अच्छे हैं, तो उसको डिसकैलकुलिया तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके मार्क्स मैथ्स में अच्छे हैं। डिसग्राफिया उसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो उसको डिसग्राफिया भी नहीं हो सकता, तो उसको डिसलेक्सिया है, ठीक है, उसको बोलने में और पढ़ने में स्पेलिंग्स पढ़ने में दिक्कत है, तो उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है।
ठीक है ना। डिसफेजिस क्या होता है, जब बच्चे को खाना निकलने में कोई दिक्कत होती है तो डिसफेजिस कहलाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। डिसलेक्सिया में बच्चा बोलने में दिक्कत होती है उसको, ठीक है, लड़खड़ाता है, वही डिसलेक्सिया है। बाकी भी चल, द फॉलोइंग क्वेश्चन इज मोस्ट लाइकली टू गेट स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर पर्पस, कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही रहेगा, तो कौन सा क्वेश्चन आप करोगे बच्चों से? तो ये व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू इन योर लाइफ, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अगर हम पूछें तो बच्चा इस पर अधिक चिंतन करेगा, ठीक है। अगर बच्चे से पूछें कि अपनी लाइफ को कैसे किस प्रकार से आप संगठित करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, तो इसमें बच्चा कुछ ना कुछ बता देगा एक सीक्वेंस में कि कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। होने के तो सभी ऑप्शन इसमें ठीक हैं, पर जो सबसे बेस्ट रहेगा कि ये पूछना कि आपकी ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे बच्चों का ज़्यादा दिमाग लगाया जाएगा, ठीक है। और गुड ग्रेड्स ऐसा तो पूछना नहीं है, बेटर शॉर्ट टर्म गोल ये भी कोई नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो एक बाकी तीन ऑप्शन खास नहीं है, आप इनको देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट सुटेबल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या सही नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो प्रतिभाशाली बच्चा है उसको उपचार की तो कोई जरूरत है नहीं, तो रेमेडियल टीचिंग ही हमारा आंसर हो जाएगा। उसको कोई रेमेडियल टीचिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो गिफ्टेड बच्चा है, ठीक है। उसको स्पेशल क्लास दे सकते हैं, एक्सेलेट कर सकते हैं, पर ये रेमेडियल टीचर, उसको किसी उपचार की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। यंग पीपल मेनली गर्ल्स एंगेज इन स्टिप डाइटिंग एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज, दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड, दोस्तों खास करके लड़कियों में युवा अवस्था में उनको एक प्रॉब्लम आती है कि वो स्ट्रिक्ट डाइटिंग करने लग जाती है, ठीक है। कम खाना खाते हैं और अपने वेट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी करते हैं अपने वेट को देखते हुए, ठीक है। एक तरीके से अपने को मोटापा वो देखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको एनोरेक्सिया नर्वोजा कहते हैं, ठीक है। जिसमें लड़कियाँ क्या करती हैं, एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करती हैं और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं, क्योंकि वो हर समय अपने शरीर को ऑब्जर्व करती हैं। बाकी जो ऑप्शन नंबर चौथा है, बुलिमिया नर्वोजा, इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रिक्ट डाइट नहीं होती, इसमें आदमी क्या करता है, बहुत ज़्यादा खा तो लेता है पर उसके बाद उसको लगता है कि वो मोटा हो रहा है, तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करता है उसके बाद, पर यहाँ पर किसी तरीके की स्ट्रिक्ट डाइटिंग फॉलो नहीं होती है, ठीक है। तो एनोरेक्सिया नर्वोजा क्या है, लड़कियों का डिसऑर्डर है जिसमें लड़कियाँ अपने को मोटा पाती हैं और फिर वो क्या करती हैं, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती हैं और एक्सेसिव एक्सरसाइज करने लग जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइन द टर्म इंक्लूजन, ठीक है। समावेशी शिक्षण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखिए, तो समावेशन करना है, तो ऑप्शन नंबर चौथा देखिए, एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स विद फुल टाइम इन रेगुलर क्लासरूम, तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको भी सामान्य कक्षा में पूरा समय शिक्षा देना ही क्या होगा, समावेशन कहलाएगा, ठीक है। अगर हम उनको अलग से पढ़ाने लगे तो फिर वो इंक्लूजन कहाँ कहलाएगा, ठीक है, तो एक्सक्लूजन हो जाएगा वो। तो कैसे भी बच्चे हों, ठीक है, जिनकी स्पेशल नीड्स हों, विशेष आवश्यकता, उनको भी साथ पर लेकर चलना ही क्या कहलाएगा, इंक्लूजन कहलाएगा। बाकी आप अन्य ऑप्शन को भी जरूर पढ़ें ताकि आप एलिमिनेट कर पाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेचर ऑफ इमोशन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है संवेगों की प्रकृति के बारे में, ठीक है। इमोशंस आर परमानेंट, ऐसा तो नहीं होता, इमोशन आर अराउज बाय इंटरनल, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, इमोशन एक्सटर्नली अराउज हो सकते हैं। सर्टेन फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन हैव डिफरेंट मीनिंग, ठीक है, ये तो सही बात है, पर ये क्या बोला है कि पहला ऑप्शन इमोशनल एक्सप्रेशन आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इमोशनल जो एक्सप्रेशन होते हैं संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल, ठीक है। लर्निंग के माध्यम से हम इमोशनल एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। और जो ऑप्शन चौथा है दोस्तों, को कैसे आप इलिमिनेट करोगे, ये बोला कि सर्टेन फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन हैव डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। सर्टेन फेशियल एक्सप्रेशन है तो उनकी इंडिविजुअल अलग अलग मीनिंग होगी ना, ठीक है, जबकि यहाँ बोला है सभी तरीके की फेशियल एक्सप्रेशन का डिफरेंट मीनिंग होगा, जबकि हमें पता है इस तरीके का अगर हम फेशियल एक्सप्रेशन दिखाएंगे तो इसका मतलब गुस्सा करना है, या हम हंसते हुए दिखाएंगे तो इसका मतलब हंसना ही होता है, ठीक है, उल्ट कोई और चीज़ नहीं होती है, तो इस तरीके से इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन रहेगा यहाँ पर। जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं तो वो अधिगम शैली निम्नलिखित में कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल यूज व्हेन स्टूडेंट अप्रोच द लर्निंग मटेरियल इन वे दैट हेल्प देम अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मटेरियल, ठीक है। वो कौन सी लर्निंग है जब बच्चे क्या करते हैं लर्निंग मटेरियल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि मटेरियल क्या है, तो इसको दोस्तों गहन शैली कहते हैं, ठीक है। जो उनको सामान मिला हुआ है उसके बारे में वो जानना चाह रहे हैं कि वो मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ है, तो उसको डीप स्टाइल ऑफ लर्निंग कहते हैं। स्पीकिंग और राइटिंग इन सच वे एज टू हैव एन इंपैक्ट ऑन अदर्स इज नोन एज, इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों को पर प्रभाव छोड़ दे, इसको दोस्तों भाषा का व्यवहारिक रूप कहते हैं, ठीक है। प्रैग्मेटिक्स प्रैग्मेटिज्म ऑफ लैंग्वेज इसको कहते हैं, ठीक है। लर्निंग सिचुएशन इन विच मल्टीपल पार्टनर्स स्टिमुलेट एंड एनकरेज वन अनदर, तो अधिगम की व्यवस्था जिसमें एक से अधिक साथी को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, तो इसको कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं, सहयोगी अधिगम, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग हमारे उसमें है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ऑप्शन नंबर सेकंड देखेंगे, ऑल इंडिविजुअल्स आर सिमिलर इन देयर डेवलपमेंट, बिल्कुल गलत बात है, सभी व्यक्ति अपने विकास में समान नहीं होते हैं, सबकी स्पीड अलग अलग होती है, इसलिए ये ऑप्शन हट जाएगा। बाकी ऑप्शन जरूर देखिएगा। अकॉर्डिंग टू गार्डनर द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द मूड्स टेम्परामेंट एंड मोटिवेशन एंड इंटेंशन ऑफ अदर इज नोन एस, दोस्तों दूसरों के इरादे या मनोदशा पहचानना इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहलाता है, ठीक है, जो कि हमारे नेताओं में पाई जाती है। आपके भाव बहुत अच्छी से पहचान लेते हैं वो लोग, तो उसको इंटरपर्सनल कहते हैं, ठीक है।
अभी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस तो दोस्तों जो कवि होते हैं इनमें पाई जाती है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बॉडीली काइनेस्थेटिक एथलीट में पाई जाती है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हम जब खुद के बारे में सोचने लगते हैं तो ये तो ठीक है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जब हम दूसरों के दिमाग को पढ़ने लगते हैं तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहलाती है। एक्ट टू पियाजी एग्रेलेंस एबिलिटी टू रिलेट द लॉजिक ऑफ वर्बल स्टेटमेंट विदाउट रेफरेंस टू द रियल वर्ल्ड ट्रांसलेट। पियाजी के अनुसार किशोरों की वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों को मूल्यांकन करने की योग्यता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पियाजे एडोलेसेंस एबिलिटी टू रिलेट द लॉजिकल ऑफ वर्बल। ठीक है, जब हम लॉजिक निकालते हैं किसी वर्बल स्टेटमेंट का विदाउट रेफरेंस टू द रियल सर्कमस्टांसेस, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, क्या इसको डिसेंट्रेशन कहते हैं, कॉग्निटिव मैपिंग, ट्रांजिटिव इंटरफेरेंस, इन्फेरेंस है, और है प्रोपोजिशनल थॉट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों साध्यात्मक विचार। ठीक है, अगर इसको ध्यान से समझें तो क्या बोल रहा है, किशोरों की वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों को मूल्यांकन करने की योग्यता। ठीक है, ठीक ही तो है, इसको डिसेंट्रेशन का तो कोई लेना देना है दोस्तों, डिसेंट्रेशन तो कम स्टेज में दिखाता है बच्चा। ठीक है, रियल वर्ल्ड सर्कम टेस्ट से डिसेंट्रेशन का कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पे कॉग्निटिव मैपिंग भी नहीं कर रहा बच्चा। ठीक है, और ना ही वो कोई ट्रांजिटिव इन्फेरेंस कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल सा एक साध्यात्मक विचार है, प्रोपोजिशनल थॉट है। एक किशोरावस्था की एक एबिलिटी होती है कि लॉजिक निकालने लगता है किसी वर्बल स्टेटमेंट का बिना असली दुनिया जाने, तो इसको साध्यात्मक विचार कहते हैं। आखिरी प्रश्न दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट डिफाइन एडोलेसेंस एज, एडोलेसेंस इज द रिस्पांस ऑफ एज ड्यूरिंग व्हिच बॉयज एंड गर्ल्स मूव फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड मेंटली इमोशनली सोशली फिजिकली। और भाई ये स्टेटमेंट तो याद ही करना पड़ेगा, ये A.T. जर्शिल्डे ने कहा है। ठीक है, तो हरलॉक डेविस सोरेसन, हरलॉक तो हमारे सिलेबस में भी है, तो डेविस और सोरेसन का तो पता नहीं दोस्तों, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। जर्शिल्डे ने ऐसा कहा है कि एडोलेसेंस में बच्चे और लड़के और लड़कियां क्या करते हैं, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में मेंटली इमोशनली सोशली फिजिकली ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताएगा। धन्यवाद।